मुजफ्फरपुर जिले में 18 मार्च 2021 को चैंपियन परियोजना के अंतर्गत जिला स्तरीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन मिश्रा भवन मंझौलिया मुजफ्फरपुर में किया गया। सभी मीडिया कर्मियों एवं महिला प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। चैंपियन परियोजना के जिला समन्वयक अभय कुमार ने प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के परवेज आलम ऑनलाइन भारत ब्यूरो चीफ उपस्थित प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए बताया कि आज की इस बैठक का उद्देश्य मीडिया से जुड़े प्रतिनिधियों का महत्व, शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित कराने में उनकी सक्रिय भूमिका पर प्रकाश डालना है। कार्यशाला के दौरान सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज पटना से आए हुए वरिष्ठ कार्यक्रम पदाधिकारी श्री आकाश सिंह द्वारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं वेब मीडिया के उपस्थित प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए जानकारी दी गई कि संस्था के द्वारा मुजफ्फरपुर जिले में चैंपियन परियोजना नामक एक कार्यक्रम विगत वर्ष के दिसंबर माह 2020 से कांटी एवं बोछाओ प्रखंड में चलाया जा रहा है। चैंपियन परियोजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रभावित कराने के मुद्दे, खास तौर से प्रजनन, मातृत्व, नवजात, शिशु स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सेवाओं और अधिकारियों के संदर्भ में जागरूकता हेतु कदम उठाने में समर्थ हो सके, आवश्यकताओं एवं जरूरतों पर सकारात्मक कार्रवाई करने की पहल की है एवं विभिन्न मार्गों के संबंध में सरकारी पदाधिकारियों के साथ दूरभाष पर संपर्क एवं पत्रकार कर मामलों की गंभीरता से अवगत कराया है एवं आवश्यक पहल की है। कार्यक्रम के दौरान जिले की 11 महिला पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा उनके माध्यम से वार्ड एवं पंचायत में स्वास्थ्य एवं पोषण के संबंध में किए जा रहे कार्य को भी साझा। प्रखंड कांटी से आई एकमात्र मुखिया संगीता कुमारी ने सभा में आए सभी मीडिया कर्मी सहित सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज संस्थान के कार्यक्रम पदाधिकारी श्री राकेश सिंह का अभिवादन किया और जन प्रतिनिधियों की मौका मिला आदि आबादी के लिए कुछ कर गुजरने का, हमने अपने पंचायत में उज्ज्वला योजना के साथ लड़कियों के लिए साइकिल व पोषण योजना पर विशेष कार्य, जिले के सम्मानित मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा इन महिला पंचायत प्रतिनिधियों का सामूहिक रूप से संवाद भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पत्रकार परवेज आलम ऑनलाइन भारत ब्यूरो कार्यक्रम के दौरान ऑनलाइन भारत ब्यूरो चीफ परवेज आलम ने बताया कि समाज के चतुर्दिक विकास के लिए महिलाओं का सशक्त होना बहुत जरूरी है। महिलाएं सशक्त होंगी तो परिवार, समाज, देश मजबूत होगा। समाज के नैतिक, चारित्रिक निर्माण में महिलाओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। आज की इस परिचर्चा की अध्यक्षता कर रहे श्रीमती संगीता कुमारी, मुखिया शेरुकाई पंचायत प्रखंड कांटी व कार्यक्रम पदाधिकारी आकाश सिंह ने बताया कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें संतोष हुआ। नारी का परिवार, समाज, राज्य एवं देश के विकास में उल्लेखनीय योगदान के बिना सुदृढ़ राष्ट्र की कल्पना बेमानी है। महिला जन प्रतिनिधियों द्वारा गर्भवती एवं धात्री माता, बच्चों एवं किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण की बेहतरी हेतु किया गया धन्यवाद ज्ञापन भी किया। चैंपियन परियोजना में शामिल वार्ड सदस्यों ने यह आशा जताई कि वे मीडिया कार्यशाला के माध्यम से पत्रकार बंधुओं को मातृत्व, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी विषयों की गंभीरता पर कार्यक्रम के दौरान प्रवेश आलम, ब्यूरो चीफ ऑनलाइन भारत संजय कुमार, मधु सिंह, अमन राज, सतीश कुमार एवं गोविंद राज के साथ C3 पटना से आए आकाश सिंह, जिला कार्यक्रम समन्वयक अभय कुमार के अलावा कार्यक्रम के क्षेत्रीय कार्यकर्ता रीता कुमारी, डॉली कुमारी, अनीता सिन्हा एवं अनिल कुमार उपस्थित रहे। ताकि वो अपने अधिकारों और अवसरों को पहचान सके। सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज, और ये पहले सेपा इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल के सिक्री हो गया है, सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज हो गया है। और ये एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और ये बिहार सहित और भी 6 राज्यों में काम करती है। अभी हम लोग यानी कि भारत में 7 राज्यों में काम कर रहे हैं, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है उसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। ऑनलाइन भारत के लिए मुजफ्फरपुर बिहार से परवेज आलम, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट।